मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेबित्रा के संबलपुर के दौरे पर हैं, जहां वे लोधी समाज के सामाजिक कार्यक्रम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। सीएम के कार्यक्रम के तहत पहले से तमाम तरह की तैयारियां की गई थी। संसदीय सचिव की मांग पर संबलपुर को नगर नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। साथ ही अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय पुरस्कार देने की भी घोषणा की। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ये पुरस्कार 1 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस पर दिया जाएगा। साथ ही लोधी समाज के लिए सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख देने की घोषणा की। साथ ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए खीरागढ़ चुनाव में जीत का दावा किया। पत्रकारों के सवालों पर जिले में गौठानों की स्थिति पर मुआयना करने के लिए जल्द सभी जिलों का दौरा करने वाले हैं। साथ ही प्रशासनिक कसावट के सवालों पर कहा कि जब भी अधिकारियों की कार्यवाही में कमी नजर आए वे सख्त कार्यवाही करेंगे। देखिए, अब चुनाव गर्मी, जैसे जैसे मौसम की गर्मी शुरू हुई वैसे चुनाव की गर्मी बढ़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है खैरागढ़ की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद दे, कांग्रेस के कैंडिडेट को आशीर्वाद दे कि उन्हें विधानसभा में भेजेंगे, मुझे पूरा विश्वास। क्या छत्तीसगढ़ भी जातिवाद की ओर बढ़ रहा है? पहले छत्तीसगढ़ एक निश्चित था, जातिवाद की कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लोधी समाज को उतारा गया, क्यों आखिर? देखिए, जाति वाली बात नहीं है, लेकिन हर जाति का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और हमने तो महिला को उतारा है। पंचायती राज से पहले सरपंच थी, जिला पंचायत सदस्य थी, हमारे संगठन की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भी अध्यक्ष है वर्तमान में, तो एक सक्रिय महिला को हमने उतारा है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार एक ही व्यक्ति को बार बार उतार रहे हैं। सर, आज लोधी समाज के द्वारा संबलपुर में रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस का आयोजन, हजारों तादाद में लोग यहाँ रानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए और मुझे भी ये अवसर प्रदान उन्होंने किया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। साथ ही रानी अवंतीबाई लोधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार हर साल दिया जाएगा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। साथ ही संबलपुर को भी नगर पंचायत बनाने की मांग की है, लोधी समाज ने यहाँ भवन बनाने की मांग की, तो उसे 50 लाख। सर, जंगलों में आग लगी है और वन कर्मी जो हड़ताल में जाने को है, इसको कैसे देखते हैं, क्या बोले? गर्मी दिन में आग लगती है और उसकी व्यवस्था वन विभाग करते हैं। सर, नरवा गरवा को लेकर काफ़ी आप संवेदनशील रहते हैं, लेकिन जिले में ऐसा होता है सर, पूरे ब्लॉक में एक गौठान बनाते हैं, पूरे अधिकारी जब भी बड़े कोई नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं, एक ही गौठान को सर बार बार लोग दिखाते हैं सर, बाकी गौठानों में देखने बिल्कुल भी नहीं जाते। बिल्कुल, अब आएंगे तो दूसरे गौठान जाएंगे, बिल्कुल अब होगा स्थिति रहनी है। देखिए, जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी। सर, पिछले बार भी आप नवागढ़ में आए थे तो हमने कहा था कि अधिकारी बाइट नहीं देते हैं, दो गौठान से लेकर के धान खरीदी के मुद्दा को छोटा मुद्दा बताते हैं कलेक्टर सर, तो ये क्या कोई छोटा मुद्दा है क्या? धान खरीदी की साल धान उठाओ कितना तेजी से हो रहा है, 98 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा और उठाओ भी तेजी से किया जा रहा है। सर, खैरागढ़ को लेकर मेरा अंतिम सवाल है, का राजा और मुख्यमंत्री के सामने दाव के चल ही क्या भाई? सर, राजा आ रहे हैं वहाँ से, केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी और मुख्यमंत्री भी वहाँ डट गए हैं खैरागढ़ चुनाव में, दाऊ जी कैसे देखते हैं इसको लेकर, क्या दाऊ जी इसको लड़ पाएंगे? हल और महल की जो लड़ाई है उसमें हल वाले जीतता है। थैंक यू सो मच सर। R9 भारत के लिए रोशन यादव की रिपोर्ट, बेमेतरा से।